अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान हसन अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यार बेली। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली मज़ीद लेटेस्ट वीडियो आपको बरवक्त मिल सकें। जी नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मलेशिया के बारे में। मलेशिया एक इस्लामी मुल्क है। ये मुल्क कुल 13 रियासतों पर मुश्तमिल है। इसका कुल रकबा 3,30,803 किलोमीटर स्क्वायर है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 66वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। और अगर आबादी की बात की जाए तो 2019 में किए गए सर्वे के मुताबिक इस मुल्क की आबादी 3,19,82,000 अफराद से ज़्यादा है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 44वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। मलेशिया के अतराफ की कंट्री की बात की जाए तो इसके एक जानिब ब्रुनेई और इंडोनेशिया मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब थाईलैंड, सिंगापुर, फिलिपाइन और वियतनाम जैसे ममालिक मौजूद हैं, जबकि बाकी तीनों अतराफ में ये पानी से घिरा। मलेशिया का दारुल हकूमत कुआला लंपुर है। ये मलेशिया का दारुल हकूमत होने के साथ साथ इसका सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर का कुल रकबा 243 किलोमीटर स्क्वायर है। आबादी 17,70,000 से ज़्यादा है। अगर इस मुल्क में मज़हब की बात की जाए तो इस मुल्क में 63% अफराद मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, 19% बुद्धिस्ट, 9.2% ईसाई, 3.4% दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। मलेशिया का 70% हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है। मलेशिया की करेंसी को मलेशियन रिंगट कहा जाता है, जो पाकिस्तानी इस वक्त 37.50 रुपयों के बराबर है। मलेशिया का कॉलिंग कोड +60 है। मले मलाई या मलेशियन मलेशिया की कौमी ज़ुबान है। ये एक ही ज़ुबान है जिसे 3 मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। इसके अलावा भाषा मलेशिया की दफ्तरी ज़ुबान है, जबकि अंग्रेज़ी, चाइनीज़, तमिल, उर्दू और मुख्तलिफ ज़ुबानें आबादी के लिहाज से बोली जाती हैं। बैडमिंटन मलेशिया की कौमी खेल है, जबकि फुटबॉल मलेशिया में बहुत शौक से खेला जाता है। मलेशिया दुनिया में कुदरती रबड़ एक्सपोर्ट करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। हर साल 9,96,673 मेट्रिक टन रबड़ दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट की जाती है। मलेशिया दुनिया भर में रबड़ ग्लव सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मलेशिया में सारा साल वक्फा बवक्फा बारिश होती रहती है। कुआलालंपुर में साल में 200 दिन बारिशों का रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि कुचिंग शहर में 253 दिन एक साल में बारिशें होने का रिकॉर्ड मौजूद है। मलेशिया को सांपो का मुल्क भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कोबरा सांप भी मलेशिया से पकड़ा गया। मलेशिया में मौजूद दो रियासतें सबा सरावा हैं। उधर की इमिग्रेशन के असूल अलग हैं, जबकि मलेशिया के लोकल लोगों को उधर जाने के लिए उनके पास पासपोर्ट होना लाजमी है। मलेशिया की पसंदीदा डिश नासी है, जिसे हम अपनी ज़बान में चावल कहते हैं, और मछली भी ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। मलेशिया में जब कोई लड़की 5 साल की हो जाती है तो वो स्कार्फ पहनना शुरू कर देती है, जिसको मलेशियन ज़बान में तुडुंग कहते हैं। मलेशिया का कौमी लिबास औरतों के लिए बाजू कुरंग है, और जबकि मर्दों के लिए बाजू मलायू है। मलेशिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत पेट्रोनास है, जो ट्विंस टावर के नाम से जानी जाती है, जो 88 मंजिलों पर मुश्तमिल है। और अब ये रिकॉर्ड 2019 में
सत्तू मलेशिया नामी इमारत के पास है, जिसकी मंजिलें 95 हैं। मलेशिया की इमिग्रेशन दुनिया में अपना एक मेयार रखती है। मलेशिया में इमिग्रेशन के असूल बहुत सख्त हैं। मलेशिया की इमिग्रेशन अपना रिकॉर्ड कंप्यूटर में ऑनलाइन रखती है। मलेशियन लोग अपने कानून की पासदारी करते हैं। मलेशिया की सड़कों के बिछे जाल दुनिया में 17वें नंबर पर आते हैं। नाजरीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा पब्लिक हॉलीडे भी मलेशिया में आते हैं। और अगर मलेशिया के त्यौहार की बात की जाए तो तमाम मज़ाहिब के त्यौहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाए जाते हैं। जो मले मुस्लिम अपना त्यौहार ईद मनाते हैं और लोकल चाइनीज़ अपना त्यौहार चाइनीज़ न्यू ईयर मनाते हैं, जबकि तमिल अपना त्यौहार दीपावली मनाते हैं। और नाजरीन, इन सब त्यौहारों पर पब्लिक हॉलीडे होता है। मलेशिया सैर व तफरी के लिहाज से बहुत अच्छा मुल्क है और जो लोग मलेशिया आने के ख्वाहिशमंद हैं वो लोग ज़रूर मलेशिया का विज़िट करें। अगर मलेशिया की खूबसूरती की बात करें तो मलेशिया कुदरती मनाजुर से भरा पड़ा है और दूसरी तरफ दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारतें भी मलेशिया में पाई जाती हैं। मलेशिया के खूबसूरत तरीन शहर जिनमें लंकावी, कोलालंपुर, मलाका, पुत्रा जाया, कैमरन हाईलैंड और गेंतिंग हाईलैंड हैं। और नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा होटल गेंतिंग हाईलैंड में मौजूद है, जो 7000 कमरों पर मुश्तमिल है। एशिया का सबसे बड़ा कसिनो भी गेंतिंग हाईलैंड मलेशिया में है। नाजरीन, अगर मैं आपको मलेशिया के बारे में और भी दिलचस्प बातें बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। गाइस, अगर आप मलेशिया के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाएंगे। नाजरीन, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाली मज़ीद नेक्स्ट वीडियो जो है लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।